अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे किस तरह से आपने घर में तकरीबन 15 से 20 मिनट में मटन तवा स्पेशल बनाना है और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ये आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आपको चाहिए नमक, तेल, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, मटन, कुटा हुआ धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च। इन सबकी क्वांटिटी मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। सबसे पहले आपने तवे पर बोटी डाल देनी है। बोटी डालने के बाद पानी की प्याली डाल देनी है आपने इसके ऊपर। बोटी मैंने कम ली है, तकरीबन 200-250 ग्राम है, क्योंकि मैं कम बना रहा हूँ, आप अपने हिसाब से बनाएगा। बोटी को आपने छोटा सा काटना है ताकि जल्दी से ये बोटी बन जाए। आपको पता है मटन बनने में टाइम करता है, जितनी छोटी बोटी होगी उतनी आराम से बनेगी। आपने इसको पानी ऐड करने के बाद सही से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको ढक देना है और मीडियम से हल्की आंच पर आपने रखना है, तब तक जब तक इसका पानी बिल्कुल आधा ना हो जाए। एक प्याली आपने पानी की डालनी है, उसका आधा होने का इंतज़ार करना है। अगर आप बीच में उसको चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं। जैसे ही पानी आधा हो जाए इसका, उसके बाद आपने इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है, जैसे कि नमक। नमक मैंने अपने हिसाब से डाला है, थोड़ा सा कम खाते हैं हम, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि मैंने पहले से ही बना के रखा है। 2 टीस्पून्स मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, आप अपने हिसाब से ऐड करें। इसमें ज़्यादा ही ऐड करें ताकि इसमें कच्ची कच्ची स्मेल ना हो बोटी की। और उसके बाद हमने इसको सही से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हमने 1/4 प्याली से कम पानी लेना है, इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद हमने फिर से बोटी और मसाले को सही से मिक्स करना है ताकि ये पूरा मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद हमने इसको ढक्कन दे देना है, तब तक के लिए जब तक ये पूरा पानी खुश्क ना हो जाए। हमने याद रहे, हमने बिल्कुल हल्की सी आंच पे रखना है और इसको तेज़ आंच पे नहीं रखना। ये जैसे ही पानी खुश्क हो जाएगा हमने इसका ढक्कन हटाना है। ढक्कन हटाने के बाद हमने इसको सही से मिक्स करना है। मिक्स करके हम इसमें ऐड करेंगे कुछ और चीज़ें, मज़ीद चीज़ें। सबसे पहले ऐड करेंगे ऑयल 3 से 4 खाने के चम्मच, तकरीबन 200-250 ग्राम बोटी के अंदर। उसको फिर मिक्स करेंगे हम। मिक्स करने के बाद ऊपर से ऐड करेंगे हम टमाटर, ऐड करेंगे तकरीबन 1 मीडियम साइज़ वाला। मैंने काफ़ी बड़े पीसेस कट किए हैं जल्दी जल्दी में, थोड़ा सा आपने छोटे पीसेस कट करने हैं ताकि इनकी भुनाई सही से हो जाए। भुनाई करने के बाद हम ढक्कन देकर हल्की सी आंच पर रखेंगे ताकि सही से टमाटर मेल्ट हो जाए। थोड़ी देर बाद इसको फिर हटाएंगे, तकरीबन ये 5 से 7 मिनट आपने रखना है। उसके बाद आपने फिर इसकी भुनाई स्टार्ट कर देनी है, ये ढक्कन हटा के। भुनाई के बाद हमने इसमें ऐड करना है मसाला। मसाला और ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 मसाले हैं। इनसे आपका इतना अच्छा टेस्ट आएगा कि आपकी सोच है। आपने ज़्यादा मसाले अपनी तरफ से ऐड नहीं करने। अगर आप इंटरेस्टिंग चीज़ खाना चाहते हैं, तकरीबन 2 चम्मच कुटे हुए धनिया आपने डालने हैं और 1 चम्मच आपने डालना है लाल मिर्च कुटी हुई। ये अब मैं आपको 200 से 250 ग्राम के अंदर मसाले बता रहा हूँ, आपने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालने हैं, मैंने इतने ही डाले। उसके बाद आपने इसको सही से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने थोड़ा सा पानी इसमें डालना है ताकि ये मसाले तवे में ना चिपके, ये सही से बोटी में मिक्स हो जाए। बोटी में मिक्स होंगे तो आपको खाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। इसको सही से मिक्स करके आप ढक्कन देकर भी रख सकते हैं 1 से 2 मिनट, अगर ना भी दे तो कोई मसला नहीं। मैं रख रहा हूँ इसको थोड़ा सा इसका टेस्ट चेंज होने के लिए, ताकि गरम गरम खाने में मज़ा आए, जब तक रोटी ना बन जाए। उसके बाद आपने ढक्कन हटाना है और आपने इसकी बोटी चेक करनी है, बिल्कुल कैसे रेशम की तरह बोटी बनी हुई है। छोटी बोटी काटने का मकसद ये था कि आपको अच्छे से ये 2 मिनट में बन जाए और आपकी बोटी बन जाए। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि इस तरह की डेली बेसिस पर जो भी वीडियोस अपलोड करते हैं वो आपके पास आ जाए नोटिफिकेशन के थ्रू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।